हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेट ढूंढ कर ऐसे हैरान कर देने वाले वायरल क्लिप जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए। दोस्तों ये कमाल का जुगाड़ है। अब भाई अगर घंटे का काम करना हो तो ऐसे तगड़े जुगाड़ निकालने ही पड़ते हैं। जरा आप इस कमाल के टैलेंट को तो देखिए दोस्तों, ये लड़की ने इतनी कारीगरी से इन प्लेट्स को रोका है, ऐसा लग रहा है कि इसे एडिट किया गया है। खैर, इस लड़की के इस टैलेंट की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। अगली बार अगर आप अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाते हैं तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। इस लड़की के फेस मास्क की वजह से इसके कुत्तों ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब दीदी ऐसे भयानक मास्क लगाओगी तो कुत्ते क्या इंसान भी डर जाए। दोस्तों देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग का झरना समंदर में गिर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो एडिटेड है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग दुबई या फिर अमेरिका में होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्डिंग दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे भारत देश में है। इस बिल्डिंग को किंग फिशर टावर कहते हैं जो कि बेंगलोर में है। अगर आपको बंद जगहों या फिर क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो भैया ये एडवेंचर आपके लिए नहीं है। पता नहीं कैसे ये दोनों भाई इतनी तेज साइकिल इतनी तंग गुफा में चला रहे हैं। मैं तो भैया एक सेकंड बिना लड़े ना चला पाऊं। भैया इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी कि आपकी चप्पल को पहनने से पहले उसे बैटरी की मदद से खोलना पड़े। मोबाइल को तो चार्ज करते ही थे, अब चप्पल को भी चार्ज करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भला इस ऊंट को इस जिप लाइन पे क्यों टांगा गया है। तो आपको बता दें कि इस ऊंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अब भाई जब ये काम सेकंड में होता जा रहा है तो कई दिन तक चलने की क्या जरूरत है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि जिम ज्वाइन करके बॉडी बना लूं, लेकिन मोटिवेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन भैया आज इस कुत्ते को देखकर मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों हमारे बचपन में ऐसा गेम खेलने को क्यों नहीं मिला। वैसे ये लड़की होशियार बहुत है, जितना हो सके उतना चिप्स के पैकेट को उठा लिया है। इसे कहते हैं भैया जो चाहिए वो लेकर रहेंगे। भैया आज पता चला कि अगर मुर्गे जूते और निक्कर पहन लें तो वो हमसे भी ज्यादा कूल दिखेंगे। अब भाई इस मुर्गे को ही देख लो जो जूता और निक्कर पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे ये कोई मॉडल हो। ये बेचारी लड़की हिरन से डरकर किनारे छुपी हुई थी, लेकिन वो तब चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि जिससे वो छुप रही है वो तो उसके पीछे ही है। दोस्तों बेचारे इस कुत्ते को देखिए जो अपने इस डब्बे को ले जाने में ऐसा मशरूफ है कि आगे आए चढ़ाव का पता ही नहीं चला और बेचारा उल्टा मुंह के बल गिर पड़ा। अरे महाराज आगे देखकर चलना होता है। अब भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो चाहे इंसान के हो या फिर हाथी के। अब आप जरा इस हाथी के बच्चे को ही देख लीजिए कैसे ये पानी के साथ खेल रहा है। ये अपने सूंड से पानी तो ऐसे निकाल रहा है जैसे कि इसके अंदर मोटर फिट हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मेंढक की खेती है। जी हाँ, ये खेती सबसे ज्यादा चीन में होती है क्योंकि यहाँ के लोग मेंढक खाना बहुत पसंद करते हैं। भैया ये लोग सांप और बिच्छू भी नहीं छोड़ते, मेंढक तो दूर की बात है। अरे भैया बारिश से बचना है तो इसे बढ़िया एक छाता ले लो, पाइप के चक्कर में पूरा शरीर भीग जाएगा, केवल शरीर बचा के क्या करोगे। भैया मूर्ख लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। दोस्तों जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती है उसके लिए ये आइडिया कमाल का है। कम से कम ट्रैफिक में हवा तो लगेगी, लेकिन भैया इसकी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी वरना कार तो बच नहीं रही, इंसान बेचारे का क्या होगा। वैसे तो ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया है क्योंकि इसमें किसी भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसे उड़ाना है तो लोगों को एनर्जी ड्रिंक लेकर उड़ना पड़ेगा क्योंकि जब भी पैडल मारना बंद किया सीधा जमीन पर आ गिरोगे। ये जानवर देखने में काफी भयानक लग रहा है, लेकिन ये असली नहीं है इसलिए लोग बड़ी आसानी से इसे छू ले रहे हैं। अगर ये असली होता तो आपको पता है क्या होता। यहाँ शुरुआत में देखकर तो ऐसा लगा कि ये कोई बहुत बूढ़ी औरत है और ये लड़खड़ा कर गिर गई, लेकिन भाई उसके बाद इसने जो स्टंट किया उसने सबको शॉक कर दिया। दरअसल में ये लड़की प्रैंक कर रही है। अगर आपने मार्वल्स की मूवी देखी होगी तो ग्रूट नाम पेड़ वाले कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल इंसानों की तरह दो हाथ दो पैर भी है। ये मोहतरमा जिस तरह से बियर को घुमाकर पी रही है, इनके इस टैलेंट को देखकर भाई मेरे कंधे में दर्द होने लगा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए, लेकिन ये सिंगापुर का क्लाउड फॉरेस्ट है जो देखने में काफी अद्भुत लग रहा है। भाई आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि छोटे छोटे घास को भी निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रॉफिट कितना होता होगा। भाई एक बार को तो देखकर लगा कि ये रोबोट है, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि भाई इसके अंदर तो दो आदमी घुसे हुए हैं। इनके इस टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। ये ड्रैगन फ्लाई का एक 3D मॉडल है जिसमें देखिए किस तरह से ये पानी पी रही है जो देखने में एकदम से रियलिस्टिक लग रही है। ये जनाब अपनी बाइक की सॉकर को इतनी आसानी से ठीक कर रहे हैं जिसे देखकर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। मखा इतने पैसे बर्बाद हो गए मेरे। ये लोग यहाँ खुद को पेंगुइन समझ रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अब इनको कौन बताए कि अगर बीच में एक छोटा सा भी पत्थर आया तो इनकी सारी हवाबाजी निकल जाएगी। जब बच्चों को उनके पिता के भरोसे छोड़कर जाओ तो यही हाल होने वाला है। देखिए किस तरह से ये जनाब वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से इस बच्ची का बाल बना रहे हैं। भाई आजकल CGI और एडिटिंग इतनी एडवांस हो गई है कि पूछो मत। अब ये देखिए किस तरह से अब ये क्लॉक टावर एक इंसान के रूप में बदला जा रहा है। दोस्तों ये टूना फिश है जिसे ट्रक में रखकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और ये बर्फ में इतनी फ्रीज
हुई है कि लग रहा है मानो कोई पत्थर हो, और इसे बाहर निकालने का तरीका भी कमाल का है भाई। आज तक मैंने जेसीबी को दूसरों को उठाते देखा है, लेकिन यहाँ तो ये खुद ही हवा में लटक रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रही है? तो भाई आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करके जाइएगा। तब फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।